नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता भवन में अर्पित फाउंडेशन की तरफ से शहीदों व भारत के वीर सपूतों को सम्मान व नमन कार्यक्रम को आयोजित किया गया। संस्था अर्पित फाउंडेशन के माध्यम से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में भारत के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले वीर सपूतों जवानों का एक सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम का शुभारंभ शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी ने वर्चुअल माध्यम से किया। शिक्षा मंत्री ने वीर सपूतों को नमन किया और देश के सभी योद्धाओं को शुभकामनाएं और संदेश दिया। इस दौरान छोटे छोटे बच्चों ने अपने मनोरम नृत्य से सबको तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। वहीं संस्था की अध्यक्ष हनी पाठक ने बताया कि हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य बस यही है कि हम लोग उन जवानों को जो देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिए, उनका सम्मान करके व नमन करके उनके परिवार का हौसला अफजाई करते हैं। साथ ही साथ हमारी कोशिश रहती है कि जवानों का मनोबल हमेशा ऊंचा बना रहे। क्या नाम है? मेरा नाम मोहित राय है। वीर सपूतों को सम्मान दिया गया है तो उसमें आपके कौन थे? हमारे भाई साहब थे, चंदन कुमार राय, जो 2018 में जम्मू कश्मीर के राजौरी में शहीद हो गए थे। कितना गर्व महसूस कर रहे हैं आज आप, आपको आपके भाई के लिए सम्मान? निश्चित ये सम्मान एक बहुत बड़ा सम्मान है और हम सभी लोग, हमारे सभी परिजन, जनपद चंदौली के सभी शहीद के परिजन साथ में हैं। हमें प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि इस प्रकार का आयोजन अर्पित फाउंडेशन द्वारा किया गया। निश्चित शहीदों के लिए एक सम्मान, बड़ा सम्मान है। क्या कारण है कि तमाम अभियान चलने के बाद भी गंगा स्वच्छ नहीं हो पा रही है? देखिए, जो चीज़ 70 साल में लोगों का अवेयरनेस नहीं बनी थी, वो आपको जब से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, लोगों का अवेयरनेस बढ़ा है और लोग पहले से अधिक जागरूक हो गए हैं। तो धीरे धीरे लोगों को जागरूकता बढ़ रही है, अस्वच्छता को लेकर लोग सचेत हो रहे हैं। अस्वच्छ भारत, आदरणीय योगी जी का जो सुंदर प्रदेश का सपना है वो पूरा होने जा रहा है, लोग पूरा कर रहे हैं। करोड़ों खर्च हो चुके हैं गंगा पर, फिर भी अभी तक गंगा नली है स्वच्छ नहीं हो पाई है? नहीं, स्वच्छ छोड़िए, पहले से अब बहुत सफाई चल भी रही है और आगे दिन में आने समय में बहुत अधिक स्वच्छ मिलेगा अभी आपको। परिचय दीजिए। हमारा नाम धर्मदेव सिंह है। धर्मदेव जी, आपको आज किस लिए सम्मान मिला और क्यों? हमारे पिताजी थे शहीद बेचन सिंह, जो कि गोवा दमनडी को आज़ाद कराने के लिए 1961 में 18 दिसंबर को शहीद हो गए। उनको अशोक चक्र राष्ट्रपति द्वारा मिला हुआ है, मेरे पास अभी तक मौजूद है। वही है मूर्ति है। धर्मेश, आज आप यहाँ आए थे वीर सपूतों के सम्मान में और अर्पित फाउंडेशन के द्वारा बहुत उत्कृष्ट कार्य करने वाले ऐसे हमारे उन पुतों को भी आज सम्मान का कार्यक्रम हुआ है। और विशेषकर जो हमारे सेना के क्षेत्र में जिन परिवारों का योगदान रहा है, ऐसे अनेक ऐसे क्षेत्रों में काम करने वाले उत्कृष्ट व्यक्तियों को अर्पित फाउंडेशन के द्वारा सम्मान किया गया है। मैं बहुत शुभकामनाएं उनको देता हूं, बधाई देता हूं। और विशेषकर ये जो कार्यक्रम है, ऐसे सामाजिक कार्यक्रम में करने वाले संस्थाओं को भी बधाई देता हूँ। जय जवान जय किसान का मंत्री, जय जवान जय किसान का नारा दिया जाता है। आप ले लेना, किसान हैं आप, आओ किसान महीनों से सर दो बेटे, इस पर क्या कहना चाहते हैं मंत्री जी? लगावा। मैं श्रीमती हनी पाठक, उत्तराखंड और वाराणसी में मैं माननीय आचार्य मिनिस्टर जी का स्पर्श गंगा अभियान देखती हूँ और मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की प्रदेश अध्यक्षा भी हूँ, अर्पित फाउंडेशन की प्रेसिडेंट भी हूँ। क्या कार्यक्रम था, क्या मोटिव? ये वीर सपूतों का सम्मान समारोह था, SDR, जिसमें SDRF की टीम, वुमेन्स एथलेटिक्स रेसलिंग चैंपियंस की टीम थी और ये हमारे वीर सपूतों को नमन था, जो शहीद हो गए हैं उनको और जो अलाइव हैं लेकिन अपने जीवन में कोई ना कोई मेडल पाए हैं उनका सम्मान समारोह था। और दो प्रमुख हस्तियाँ BHU की, जिन्होंने काफ़ी स्ट्रगल करके भी किसी मकाम पे पहुंची हैं, कुछ मकाम हासिल किया है, उनका सम्मान था। क्या उद्देश्य था इस तरह के कार्यक्रम का? उद्देश्य मुझे नहीं लगता कि वीरों का सम्मान करने के लिए कोई उद्देश्य की ज़रूरत होती है। इसमें मन में प्यार, दिल में उत्साह होना चाहिए। दिलों में जब हम प्यार जगाएंगे, दिलों में जब हमारे ये रहेगा कि हमारे लिए हमारे वीर खड़े हैं, तभी तो हम उनके लिए सम्मान कर सकते हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि वीर सपूतों का सम्मान करने के लिए किसी उद्देश्य की ज़रूरत है, क्योंकि उद्देश्य, बिना उद्देश्य के जब वो हमारी रक्षा कर सकते हैं तो उद्देश्य के साथ क्या हम उनका जीवन
के लिए कोई सम्मान नहीं रख सकते हैं। भारत माता।